हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट। जीके एजुकार्ट चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये मेरी इतिहास की इस सीरीज का 9th वीडियो है। इससे पहले मैं 8 वीडियो बना चुका हूँ, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अब तक के इतिहास में हमने शुरुआत की थी प्राक ऐतिहासिक काल से, जिसको पाषाण काल भी बोला जाता है, जिसकी शुरुआत जो है 30 लाख ईसा पूर्व हुई थी और 2500 ईसा पूर्व तक प्राक ऐतिहासिक काल रहा था, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा, जिसमें हमने सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था। वैदिक सभ्यता में हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास शुरू होता है, जिसमें 600 ईसा पूर्व में यानी कि 6 शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें सबसे स्ट्रोंग, सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था वो था मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। मगध राज्य पर किस किस टाइम किस किस राजा ने किस किस वंश ने शासन किया, उसको हम क्रमानुसार देखेंगे। और इससे पहले हमने धर्मों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, ये सब धर्म हमने पढ़े थे और आपस में हमने कंपेयर भी किया था। तो इन सब वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप वहां जाकर आप इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मगध साम्राज्य। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ, जो भारतवर्ष जो है 6 शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। मगध राज्य जो था, जो बिहार के आसपास जो पड़ता था, उसके सबसे पहले जो संस्थापक थे, नाम था बृहद्रथ। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, यानी इसने गिरिब्रज राजधानी की स्थापना की थी, जिसको उसके बाद जो है राजगृह के नाम से जाना जाता है। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध जो है बृहद्रथ का पुत्र था। पहले आ जाता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व यानी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। यानी बौद्ध ग्रंथों से हमने यह पढ़ा है कि हर्यक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने की थी, और बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। यह इंपॉर्टेंट है। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। यह पहला राजा था। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने, और वो किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। आगे देख लेते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। 16 जो महाजनपद थे उनमें एक था अंगराज्य। अंगराज्य को बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अपने राज्य में यानी मगध राज्य में मिला लिया, मगध राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। राजगृह को अपनी राजधानी बनाया किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने मगध राज्य पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा, महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए, क्योंकि बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन था। महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और बिंबिसार का जन्म जो है 544 ईसा पूर्व में हुआ था, तो दोनों समकालीन थे। महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए, क्योंकि बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, इसलिए उसने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपने राजवैद्य को, अपने फिजिशियन को, जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। अवंती के राजा, अवंती एक अलग महाजनपद है, उसके राजा थे प्रदोत। जब पांडु रोग से ग्रसित थे, किस रोग से? पांडु रोग से। उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को, जीवक उनका राजवैद्य था, उस जीवक को राजा प्रदोत के सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था, उसकी सेवा के लिए भेजा था। तो राजवैद्य से जीवक को कहां कहां पर भेजा? महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए और अवंती के राजा प्रदोत,
अवंतिक राजा प्रद्योत की सेवा के लिए भेजा था जब वे बीमार हुए थे। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार क्या करता था, वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए वह जिस राज्य पर अटैक करता था उसके राजा को हराकर या तो उस राजा की बेटी से या उस राजा की बहन से शादी कर लेता था और बदले में दहेज के रूप में वहां के राज्य का एरिया कवर कर लेता था। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेतक की पुत्री चेलन्ना से, मध्य देश की राजकुमारी सीमा से शादी की थी। तो इस प्रकार से उसने राजाओं को हराया और उनकी पुत्रियों से शादी की और अपने साम्राज्य का, मगध साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने की। हर एक वंश की खास बात है, इसमें जितने भी राजा हुए, जो भी राजा बनता वो अपने पिता की हत्या कर देता और फिर शासन की गद्दी पर बैठ जाता। तो अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और राजगद्दी पर बैठा और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसका उपनाम कुणिक था और प्रारंभ में यह जैन धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जो अजात शत्रु के पिता थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उसके पुत्र अजात शत्रु जो है जैन धर्म के अनुयायी बने थे। तो एक प्रकार से हम मान सकते हैं अजात शत्रु जो है महावीर जैन के समकालीन थे। और अजात शत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजात शत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार यानी वर्षकार था। इसकी सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजात शत्रु का मंत्री वर्षकार, उसकी सहायता से वह राज्य को हरा देता था और पूरे राज्य को ही हड़प लेता था। जबकि बिंबिसार की नीति थी कि वह जिस राज्य को रहता था उस राजा की बेटी से वह शादी कर लेता था और दहेज के रूप में कुछ हिस्सा अपने में मिला लेता था। लेकिन अजात शत्रु जो था वो वैसे किसी भी राज्य को हराकर पूरे राज्य को ही हड़प लेता था। 461 ईसा पूर्व में पिता की हत्या कर उदायन मगध की गद्दी पर बैठा। यानी कि अजात शत्रु की हत्या जो है उसके पुत्र उदायन ने की 461 ईसा पूर्व में। उदय ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। पाटिल ग्राम जिसको आज के समय पर क्या बोला जाता है, पटना, उसकी स्थापना किसने की थी, राजा उदय ने। और यह जैन धर्म का अनुयायी था और यह भी अपने पिता की तरह अजात शत्रु की तरह जैन धर्म का अनुयायी बना था। हर एक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र था नागदशक। तो नागदशक जो हर एक वंश का अंतिम राजा था। तो हर एक वंश दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाता है। हर एक वंश में हमने पढ़ा कि उसके पहले राजा थे बिंबिसार और उनके फिर उत्तराधिकारी थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, फिर वो राजगद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने की और फिर वो राजगद्दी पर बैठा और उदायन की हत्या उसके पुत्र नागदशक ने की। तो इस प्रकार से हर एक वंश को एक प्रकार से पितृहंता वंश बोला जाता है क्योंकि पुत्र पिता को मारकर गद्दी पर बैठता था। तो दोस्तों अब शुरू हो जाता है शिशु नाग वंश। तो नाग दशक को उसके अमात्य शिशु नाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशु नाग वंश की स्थापना की थी। नाग दशक को शिशु नाग ने, जो कि नाग दशक का मंत्री था, उसने उसको गद्दी से उतार दिया था क्योंकि नाग दशक जो है कमजोर राजा था और मगध की गद्दी पर कौन बैठ गया था, शिशु नाग। तो इस प्रकार से शिशु नाग वंश की स्थापना हो जाती है। शिशु नाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। तो शिशु नाग के समय जो मगध राज्य की राजधानी थी उसका क्या नाम था, वैशाली। शिशु नाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। यानी शिशु नाग के बाद जो शिशु नाग वंश का राजा बना वो था कालाशोक। और उसने क्या किया कि अपनी राजधानी को, मगध की राजधानी को वैशाली से हटाकर दोबारा पाटलिपुत्र ले आया। और शिशु नाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। क्या नाम था, नंदीवर्धन। और दोस्तों काल अशोक के समय पर, काल अशोक अलग राजा है और अशोक सम्राट अलग राजा है जिसको हम मौर्य वंश में पढ़ेंगे। काल अशोक के समय पर द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 BC में, 383 ईसा पूर्व में। और कहां पर हुई थी, वैशाली में। जैसे हमें पता है कि बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई थी। उसकी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के समय पे, जो कि बिंबिसार के पुत्र थे और
कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? वो काल अशोक के समय पर हुई थी, 383 ईसा पूर्व में और वैशाली में हुई थी। बाकी दो संगीता कब हुई थी उसके बारे में आप कमेंट करें। नंद वंश का संस्थापक यानी कि पहले आर्यक वंश था, फिर शिशु नाग वंश आया और अब कौन सा आया? नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। तो नंद वंश तीसरा वंश है जिसके संस्थापक कौन रहे थे? महापद्मानंद। कौन थे? महापद्मानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था गणानंद, यह सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय जो है भारत पर किस वंश का शासन था? वो था नंद वंश का। और किस राजा का शासन था? वो था गणानंद। क्या था? गणानंद। ये इंपॉर्टेंट है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको? गणानंद को। गणानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश ज्यादा दिनों तक नहीं चला था, इन्होंने लगभग 21 साल तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था। किस वंश ने? नंद वंश ने। तो दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूं, हर एक वंश जो है मगध साम्राज्य पर 132 साल तक राज किया। उसके बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ने 68 साल तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। उसके बाद आया नंद वंश। नंद वंश ने मगध साम्राज्य पर लगभग 21 साल तक शासन किया। और उसके बाद आ जाता है मौर्य वंश जो लगभग 137 साल तक मगध साम्राज्य पर राज किया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों कई बार कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि किस वंश ने क्रमानुसार मगध साम्राज्य पर शासन किया था, उसके बारे में बताइए। इस तरह से ऑप्शन दे देते हैं, फिर आपको वह सिलेक्ट करने होते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि नंद वंश ने पहले शासन किया था या फिर शिशुनाग वंश ने, तो आंसर आएगा शिशुनाग वंश। तो दोस्तों यहां पर सिकंदर के बारे में बताया गया है कि सिकंदर का जो जन्म है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। क्या था? फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदुनिया का शासक बना था। मकदुनिया जिसको मैसिडोनिया बोला जाता है, ये यूनान का राज्य था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी? फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। इस प्रकार सिकंदर जो है यूनान की राजगद्दी पर 329 ईसा पूर्व में बैठा था। सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? अरस्तु का। इंपॉर्टेंट है, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 356 ईसा पूर्व से प्रारंभ किया। 356 ईसा पूर्व से उसने भारत पर विजय पाने के लिए भारत की तरफ अग्रसर हुआ। सिकंदर का सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये इंपॉर्टेंट है, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोर्स के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि जेलम, जिसको समय कौन सी नदी बोला जाता है? विटस्ता। जेलम कहां पर है? जेलम जो है जम्मू कश्मीर से निकलती हुई सिंध प्रांत में जाती है, जो कि पाकिस्तान में है। वहां पर युद्ध लड़ा गया था, हाइडेस्पीज का युद्ध, और इस युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। यानी कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने का अभियान शुरू किया, उस समय पंजाब के शासक थे पोरस। कौन थे? पोरस। उनके साथ उन्होंने एक युद्ध लड़ा जेलम नदी के किनारे, जिसको क्या बोला जाता? हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। लेकिन लगभग 90% सिकंदर हार चुका था, उसकी सेना टूट चुकी थी, तो इसको बहुत ही मान युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है उसके सेना जो है इस युद्ध में इतनी बुरी तरह थक चुकी थी कि उन्होंने उसके बाद जो नदी पड़ती है ब्यास नदी, जिसको पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। सिकंदर जो है सतल मार्ग के द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। यानी 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई। कब हुई? 323 ईसा पूर्व में। और कहां पर हुई? बेबीलोन में। सिकंदर का जल सेनापति था जिसका नाम था निर्याकस। क्या नाम था? निर्याकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा था बहुकैफेला, इसी के नाम पर इसने जेलम नदी के तट पर बहुकैफेला नामक नगर की स्थापना की। बहुकैफेला नामक नगर बसाया था। ये थे सिकंदर के बारे में जानकारी।
सो दोस्तों ये वीडियो आज काम यहीं पर खत्म करते हैं, जिसमें हमने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा कि मगध राज्य पर कब कब और किस किस वंश का शासन, उसके बाद शुरू होता मौर्य वंश, और मौर्य वंश हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मौर्य वंश के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपको किसी भी तरह का डाउट है, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो के बारे में आप जरूर बताएं। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।